दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो में हम जानेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस मुसलसल पहुंचती रहें। दोस्तों, 20वीं सदी के वस्त से ही तिब की दुनिया में बेशुमार तख्लीकात सामने आईं जिनकी वजह से बीमारियों पर काबू पाना मुमकिन हुआ। टेक्नोलॉजी की वजह से भी तिब की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ, जिसकी एक मिसाल रोबोट्स का इस्तेमाल है। रोबोट्स की मदद से डॉक्टर्स मुख्तलिफ इकसाम के पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई दुरुस्त तरीके से और मुकम्मल कंट्रोल रखकर कर सकते हैं, जो कि रिवायती तरीकों से करना नामुमकिन काम है। रोबोट्स की मदद से करीबन नागवार सर्जरी करने के लिए भी जिस्म को ज़्यादा चीरने काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ मखसूस हिस्से पर हल्का सा चीरा लगा कर काम निपटाया जा सकता है। दोस्तों, रोबोट्स की मदद से सर्जरी के तरीक़ेकार को नहायत तेज़ी के साथ अमेरिका, यूरोप और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनाया जा रहा है। क्लिनिक्स में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स पर एक कैमरा और आसानी से कंट्रोल किए जाने वाला एक बाजूनुमा आला होता है, जिसके दूसरे सिरे पर जराही या सर्जरी के आलात मौजूद होते हैं। सर्जन एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कंप्यूटर की मदद से जराही के मुकम्मल अमल को सरंजाम देता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस तर्ज की सर्जरी के क्या फ़वाद हैं। मुशाहिदे से ये बात सामने आई है कि रोबोट्स की मदद से सर्जरी करने से सर्जन इस अमल से सर्जरी करने को आरामदेह और तसल्ली बख्श समझते हैं, क्योंकि रिवायती तरीके के मुकाबले में इस अमल से मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ सर्जरी का अमल पाए तकमील तक पहुंचता है। बहुत ही महदूद हिस्से पर कट लगाकर सर्जरी करने के मुख्तलिफ फ़वाद हैं, जैसे कि कम पेचीदगियाँ, कम दर्द और खून के नुकसान में कमी, जल्द सेहतियाबी, मुख्तसर और आसानी से ना नज़र आने वाले निशानात। इन तमाम एहतियाती तदाबीर और सफाई के बावजूद भी रोबोटिक सर्जरी में रिवायती सर्जरी की इन्फेक्शन होने और दूसरी पेचीदगियों के पैदा होने का ख़दशा भी मौजूद रहता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आया रोबोटिक सर्जरी आपके लिए सही इंतखाब है या नहीं। तो दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी हर इंसान के लिए मौजू नहीं। इस तरह के किसी भी अमल से पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और रोबोटिक सर्जरी का दूसरे मौजूदा आसान तरीकों के साथ तकाबली जायज़ा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।